पुलिस ने भैंस चोरों को रंगे हाथों पकड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ये चोर भैंसों को गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्हें पकड़ लिया और इनके पास से चोरी की हुई भैंसे भी बरामद हुई है। भैंस चोरी का ये मामला डोईवाला के बुल्लावाला से आया है, जहां रात्रि के समय नरेश कबोज के घर के आंगन से किसी ने भैंस चोरी कर ली। इससे पहले भी सिमलास ग्रांट से भैंस चोरी हुई थी। आपको बता दें, जब चोर भैंसों को गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई, तब वो दूसरी गाड़ी बुलाकर भैंसों को उसमें डालने लगे। स्थानीय लोगों को चोरों पर शक हुआ तो उन्होंने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें पकड़ लिया। वहीं इनके पास से पुलिस ने वो गाड़ी भी जब्त कर ली जिसमें भैंसों को ले जाया जा रहा था। किसानों ने चोरों के पकड़े जाने पर पुलिस का धन्यवाद किया और उन्हें सराहनीय कार्य करने हेतु शुभकामनाएं दी। बाहर बंदी भी रेकी करते हैं, व्यापारी बन के आते हैं और रात को भैंसों को उठा ले जा रहे हैं। इनका भैंसों का धंधा बना हुआ, क्योंकि एक भैंस 1 से 1.5 लाख की होती है और ये आसानी से बिक जाती है। ये लोग यहाँ से बाहर के लोग हैं, ये बाहरी लोग आके हमारी भैंसों को चुरा रहे हैं। हर रोज किसी ना किसी की भैंस की चोरी कर रहे हैं। अभी झड़ौन में अनिता देवी विधवा महिला है, उसकी भैंस की चोरी की, आज ये चोरी पकड़ी गई बुल्ला वाले में। आज रात में चोरी हुई थी, 4 बजे की हो रखी थी चोरी। और जैसे मैं उठी तो मैंने पहले मैं डंगरों के पास आती हूँ, देखा तो वहाँ भैंस भी नहीं और कचड़ा भी नहीं, और जब इधर उधर छानबीन की तो कहीं भी नहीं मिली। फिर मैं सुबह जल्दी उठ के इधर खेत कूद में देखा, कहीं भी नहीं मिली। फिर मैं सीधे थाने आ गए, हम वहाँ देखो तो गाड़ी पलटी हुई थी, हमने गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया, सीधे हम यही आ गए। फिर पुलिस वालों ने ध्यान दिया, उन्होंने फिर ये करके जंगल के रास्ते ही हैं लच्छी वाले वहाँ मिली है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।